नमस्कार आदाब, मैं मारूफ मिलन रहमानी लेकर आया हूं मैं आपके लिए न्यूज 24 सीमांचल में। सीमांचल सहित पूरे बिहार की बड़ी खबरों को, तो बने रहिए हमारे साथ। और हां, आपसे एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला बटन भी जरूर दबा दें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबरों पर। AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के विधायक अंजार नेमी ने बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के टेरागाज प्रखंड का दौरा किया, जहां उन्होंने मटियारी, झुनकी, मुसारा, भोरा, हवाकोल में हो रहे रेतुआ, कनकई और गोरिया नदी से कटाव क्षेत्र का जायजा लिया। ग्रामीणों के सामने ही विधायक अंजार नेमी ने संबंधित विभागीय टीम को सूचित भी किया। उसके पश्चात विधायक ने झुनकी मुसारा पंचायत में लोगों की समस्याओं को सुना और आश्वासन भी दिया कि जल्द से जल्द समस्या का निष्पादन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि अंजार नेमी लगातार क्षेत्र का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और नदी कटाव क्षेत्र का जायजा भी ले रहे हैं। AIMIM के 22वें विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने डगरवा प्रखंड के पार्टी कार्यालय डगरवा में जनता दरबार लगाया, जहाँ सभी पंचायतों से आए हुए लोगों की समस्या सुनी गई तथा संबंधित विभाग से बात कर कार्य के निष्पादन हेतु निर्देश भी दिए और पंचायत में ही ज़्यादा समस्या का समाधान हो इसके लिए पंचायत स्तरीय प्रतिनिधि का चयन भी किया गया। इसके पश्चात विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने बायसी के सादीपुर ईमान टोला में सड़क का निरीक्षण किया और लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण होगा। दिगल बैंक प्रखंड अंतर्गत हरवाडंगा गांव के दक्षिण भारत नेपाल सीमा रोड में हाफिज टोला डायवर्सन बह गया है, जिससे 50,000 की आबादी का आवागमन प्रभावित है। जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष शाहपुर विधायक कोचाधामन मास्टर मुजाहिद आलम ने स्थिति का जायजा लेकर JKM कंपनी के इंजीनियर रवीश कुमार, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग से बात कर जल्द आवागमन बहाल करने की मांग की है। पूर्व विधायक ने कहा कि इसकी सूचना जिला पदाधिकारी किशनगंज को उचित कार्रवाई के लिए दिया गया है। अररिया जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CS द्वारा जिले में स्वास्थ्य सेवा बेहतरीन को लेकर निरंतर सार्थक प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज गुरुवार को जिला अधिकारी द्वारा सदर अस्पताल अररिया के विभिन्न इकाइयों का औचक निरीक्षण किया गया। मौके पर उपस्थित सिविल सर्जन एवं संबंधित चिकित्सा पदाधिकारियों को अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुलभ कराने एवं अस्पताल परिसर में निर्माणधीन ऑक्सीजन प्लांट एवं ब्लड बैंक का संचालन जल्द से जल्द प्रारंभ कराने का निर्देश दिया। SSB के जवानों ने तस्करी के एनर्जी ड्रिंक के साथ एक नेपाली युवक को किया गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर तैनात SSB सी कंपनी पैकटोला टेरागाज के जवानों ने तस्करी के रेडबुल एनर्जी ड्रिंक के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है। SSB के ASI भूरी सिंह ने बताया कि सीमा सड़क पर गश्ती के दौरान उक्त सफलता हासिल हुई है। गिरफ्तार युवक ज्ञान बहादुर सेदाई, उम्र 45 साल, गौरीगंज झापा नेपाल के रहने वाले हैं। गिरफ्तार युवक के पास से कुल 75 केन रेडबुल एनर्जी ड्रिंक की बरामदगी की गई है, साथ ही मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। SSB द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।